बिल्लू की, जो अपने परिवार के साथ मनपुर नाम के एक गांव में रहता था। बिल्लू ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और उसके परिवार में उसके मम्मी पापा हैं। बिल्लू को लाइफ से बहुत सारी शिकायतें थीं। वो कभी भी किसी बात से खुश ही नहीं होता था। उसके पापा एक प्राइवेट नौकरी में थे और मम्मी हाउसवाइफ। वो दोनों अपनी तरफ से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करते, पर उसके पास जो भी होता या जो भी उसे मिलता, उससे वो कभी खुश ही नहीं होता। बिल्लू के दोस्त बिल्लू की तुलना में काफी अमीर थे, इस वजह से भी बिल्लू चिढ़ा हुआ रहता था। एक दिन बिल्लू अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं अपने फ्रेंड्स को एक बड़े से रेस्टोरेंट में ट्रीट देना चाहता हूँ अगले महीने अपने बर्थडे पर। बिल्लू बेटा, तुम अपने दोस्तों को घर ले आओ, मैं खाना बना दूंगी अच्छा सा। ओ कम ऑन माँ, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ही हूँ, और वैसे भी आजकल कोई अपने दोस्तों को घर खाना खिलाने नहीं लाता, सब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ही ले जाते हैं, तो मैं भी वही करूँगा ना। बिल्लू बेटा, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उसी हिसाब से काम करता है, ऐसे किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। माँ, आप तो कुछ समझती ही नहीं हो, बस मुझे ही समझाती रहती हो। ऐसा कहकर बिल्लू वहाँ से चला जाता है। शाम को बिल्लू के पापा अपने ऑफिस से आते हैं तो बिल्लू उनसे कहता है, पापा, आपने कहा था कि इस महीने आप मुझे वो स्मार्ट वॉच और बाइक दिलवाओगे, तो बताओ कब चल रहे हैं हम मार्केट। देखो बेटा, अब तो आप बड़े हो रहे हो, अपने घर की सिचुएशन भी समझते हो, तो मैं क्या कह रहा था कि इस महीने तुम स्मार्ट वॉच ले लो, वो बाइक वो मैं आपको अगले महीने आपके बर्थडे पर दिलवा दूंगा। पापा, ये क्या बात हुई, पिछले महीने भी आपने यही कहा था। हाँ बेटा, पर पिछले महीने मैंने नया स्मार्टफोन भी तो दिलवाया था। हाँ तो क्या हुआ, आप ऐसे ही करते हो, आप दोनों मुझे कुछ दिलाना ही नहीं चाहते। मेरे कॉलेज के सब फ्रेंड्स के पास स्टाइलिश बैग्स, शूज, फोन, बाइक, ब्रांडेड वॉचेस और पता नहीं क्या क्या है, आप तो कुछ भी नहीं करते मेरे लिए। बिल्लू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर अपने कमरे में बैठकर सोचता है, मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं, वो मेरी कोई बात नहीं मानते और ना ही मुझे प्यार करते हैं, बचपन से ऐसे ही करते हैं, और मेरी किस्मत भी कितनी खराब है जो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं घर छोड़कर ही चला जाता हूँ, तभी इन लोगों को भी पता चलेगा कि ये मेरे लिए कुछ नहीं करते। ऐसा सोचकर बिल्लू कुछ कपड़े लेकर घर से निकलने लगता है, पर मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे। ये सोचकर बिल्लू अपने पापा का पर्स चुराने की कोशिश करता है, पर्स के साथ कुछ पर्चे भी रखे होते हैं। बिल्लू जल्दबाजी में उन्हें भी उठा लेता है और एक छोटे से बैग में सारा सामान डालकर बिल्लू सुबह सुबह सबके उठने से पहले ही घर से निकल आता है। सुबह बिल्लू के मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं। बिल्लू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्लू बहुत जिद्दी होता जा रहा है, हर बात पर दूसरों से खुद की तुलना करना और हर बात की शिकायत रखना, ये सब ठीक आदत नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैंने भी उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझता ही नहीं है। हम अपनी तरफ से तो उसे सब देने की कोशिश करते ही हैं, पर पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा। हाँ, हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे। चलो मैं नाश्ते के लिए उसे बुलाकर लाती हूँ, कल तो गुस्सा होकर ही सो गया था। बिल्लू, ओ बिल्लू, चल जल्दी आ, नाश्ता कर ले। कहाँ है ये लड़का, जवाब ही नहीं दे रहा, चलो इसके कमरे में देखकर आती हूँ। कमरे में भी बिल्लू को ना पाकर वो घबरा कर बिल्लू के पापा को आवाज देती है। दोनों बिल्लू को घर और आसपास सब जगह ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। वो दोनों परेशान हो जाते हैं। इधर बिल्लू घर से तो निकल आता है, पर कुछ दूर चलने के बाद उसे भूख लगती है। वो रास्ते पर खड़े एक ठेले से कुछ खाने को लेता है और फिर पैसे देने के लिए अपने बैग में हाथ डालता है और अपने पापा के पर्स में से पैसे देता है। तभी कुछ लोग वहां आते हैं और बिल्लू का वॉलेट छीनकर भागने लगते हैं।
अरे मेरा वॉलेट वापस दो मेरे पैसे, वापस दे वरना बहुत मारूंगा। अरे तू क्या मारेगा, रुक अभी तेरा सर फोड़ता हूँ, इतना मारूंगा कि अपने पैरों पर चलकर घर भी वापस नहीं जा पाएगा। वो लोग बिल्लू का पर्स वापस नहीं करते, उन लोगों से लड़ाई झगड़े में बिल्लू को चोटें लग जाती हैं। अंत में बिल्लू थक हार कर उसी ठेले पर वापस आ जाता है और दर्द में ही वो पर्चे भी पड़ता है जो गलती से उसके बैग में वॉलेट के साथ आ गए थे। बहुत दर्द हो रहा है पर घर नहीं जाऊंगा, वहाँ कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है। पहले जरा पढ़ लूं कि इन पर्चों में क्या लिखा है, क्या पता मुझे पता चल जाए कि पापा के पास कितने पैसे हैं और उन्होंने वो कहाँ रखे हैं। वो पहला पर्चा खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। पर्चे में लिखा होता है कि किस तरह उसके पापा 2 महीने से उसकी बाइक के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं। दूसरे पर्चे में लिखा होता है कि बिल्लू की मम्मी की सोने की चेन बेचकर उसके मम्मी पापा ने कुछ पैसे जमा किए हैं। अगले साल बिल्लू के MBA के लिए पैसे के बारे में लिखा है। तीसरा पर्चा डॉक्टर का होता है जिसमें लिखा होता है कि इस महीने बिल्लू के पापा बीमार थे, डॉक्टर ने रेस्ट बताया था पर वो तो रोज ऑफिस जा रहे थे। बिल्लू ये सब पढ़कर रोने लगता है। मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, वो मेरे लिए कितना कुछ करते हैं पर मैंने कभी किसी बात की कद्र ही नहीं की, मैं हर बात में कमी ही निकालता रहा, मैं मम्मी पापा को अभी जाकर सॉरी बोलता हूँ। बिल्लू उस ठेले के पास से खाने को वहीं छोड़कर जाने लगता है कि तभी एक छोटा बच्चा वो बचा हुआ खाना खाने लगता है। इस बच्चे के पास खाने को भी नहीं है और मेरे पास कितना कुछ है, फिर भी मैं कंप्लेंट ही करता रहा। पर आज मैं समझ गया कि हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, जिंदगी में शिकायतें कम रखनी चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए हमेशा बेस्ट ही चाहते हैं। ऐसा सोचते हुए बिल्लू वापस अपने घर लौट जाता है।